जय मसीह के दोस्तों, आइए हम आज चौथी आज्ञा के बारे में सीखेंगे। सबत को एक नई संस्था के रूप में नहीं बल्कि सृष्टि के समय स्थापित होने के रूप में पेश किया गया है। इसे सृष्टिकर्ता के कार्य के स्मारक के रूप में याद किया और मनाया जाना चाहिए। ईश्वर को स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के रूप में इंगित करते हुए यह सच्चे ईश्वर को सभी झूठे देवताओं से अलग करता है। जो लोग सातवें दिन का पालन करते हैं वे इस कार्य से दर्शाते हैं कि वे यहोवा के उपासक हैं। परमेश्वर ने मनुष्यों को परिश्रम करने के लिए 6 दिन दिए हैं और वह चाहता है कि 6 कार्य दिवसों में उनका अपना काम पूरा हो जाए। सबत के दिन आवश्यकता और दया के कार्यों की अनुमति है। बीमारों और पीड़ितों की हर समय देखभाल की जाती है, लेकिन अनावश्यक श्रम से शक्ति से बचना चाहिए। जो लोग सबत के दिन व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करते हैं या योजनाएं बनाते हैं, उन्हें परमेश्वर ऐसा मानता है जैसे वे व्यवसाय के वास्तविक लेनदेन में लगे हुए हों। सबत को पवित्र मनाए रखने के लिए हमें अपने दिमाग के संसारिक चरित्र की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। सबत का दिन क्यों? परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य क्यों बनाए? पढ़े भजन संहिता 111:4। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य स्मरण कराने के लिए बनाया है। कौन सी संस्था विशेष रूप से मनुष्य को सृष्टि को याद रखने में मदद करने के लिए बनाई गई है? निर्गमन 20:8-11। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरा दासी, ना तेरा पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे प्रकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। निर्गमन 31:16-17। इसलिए इसराइली विश्राम दिन को मना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वचा का विषय जानकर मना करें। वह मेरे और इसराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। परमेश्वर ने सबत को अर्थात विश्राम दिन को सबत अर्थात विश्राम दिन संस्था को विशेष रूप से मनुष्य को सृष्टि को याद रखने में मदद करने के लिए परमेश्वर ने बनाई है। यदि सबत को सार्वभौमिक रूप से रखा जाता तो मनुष्य के विचार और स्नेह श्रद्धा और पूजा की वस्तु के रूप में सृष्टिकर्ता के पास ले जाता और कभी कोई मूर्ति पूजक नास्तिक या काफिर नहीं होता। सबत के दिन किसके लाभ के लिए बनाया गया है? पढ़ें मरकुस 2:27-28। और उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। परमेश्वर ने 7वें दिन को मनुष्य के लिए विश्राम की अवधि के रूप में मनुष्य की भलाई के लिए और साथ ही अपनी महिमा के लिए आरक्षित किया। मूंग ने देखा कि मनुष्य की आवश्यकताओं को परिश्रम और देखभाल से एक दिन के आराम की आवश्यकता होती है। 6 दिनों के श्रम और चिंता से विश्राम की अवधि के बिना इसमें उसका स्वास्थ्य और जीवन खतरे में पड़ जाएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।